देख रहे हैं चुनाव में रायबरेली को लेकर? देखिए, रायबरेली हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है। रायबरेली से समाजवादी पार्टी को सदैव विधायक जीतते रहे हैं। हम तो 6 में से 5 विधायक भी पिछली बार जीते थे, 12 में 17 में गठबंधन था, तब भी हम गठबंधन से 3 विधायक जीते थे 6 में। तो रायबरेली तो समाजवादी हमेशा फ्रूटफुल रहे हैं और समाजवादी पार्टी का अच्छा परिणाम रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार हम 6 की 6 विधानसभा समाजवादी पार्टी को जीतेंगे। रायबरेली में कांग्रेस का क्या स्तर देख रहे हैं और भाजपा का क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है, धोखा किया है रायबरेली के साथ, 4.5 वर्ष की सरकार हो गई, एक भी परियोजना रायबरेली में नहीं आई है। जबकि इसके उल्टा आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो रायबरेली में बहुत परियोजनाएँ आई हैं। रायबरेली में 30 बड़े पावर स्टेशन बिजली के लगाए गए। हर विधानसभा में अमूमन 5 से 6 बड़े पावर स्टेशन विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाए गए। जर्जर लाइनें ठीक की गई। बड़े सड़कारों का सड़कों का निर्माण हुआ। एम्स जैसे बड़े अस्पताल की स्थापना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। एम्स स्वीकृत था UPA सरकार में, परंतु उसको ज़मीन नहीं मिल रही थी। एम्स की ज़मीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुमूल्य ज़मीन चीनी मिल की रायबरेली की एम्स के लिए दिया, तब जा करके एम्स की स्थापना हुई। जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने से लेकर के आधुनिक मशीनें लगाने तक का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ है। और बड़ी योजनाएँ, तमाम परियोजनाएँ, तमाम ITI पॉलिटेक्निक समाजवादी पार्टी की सरकार में रायबरेली में स्थापित हुए। एक भी अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में PSC CSC भी नया नहीं बना। एक भी पावर स्टेशन बिजली का नया नहीं लगा। एक भी यूनिट अधिक बिजली जो अखिलेश यादव जी की सरकार में मिल रही थी, वही बिजली मिल रही और उसमें भी कटौती हो गई। एक भी यूनिट या एक भी घंटे किसानों को अतिरिक्त बिजली नहीं दी गई। आज खाद बीज के लिए किसान हाहाकार मचाया, धान नहीं खरीदा जा रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार में पर्याप्त धान क्रय केंद्र थे, गेहूँ क्रय केंद्र थे, खरीदा जा रहा था, किसानों की उपज का उन्हें उचित मूल्य मिल रहा था, खाद उपलब्ध थी, बीज उपलब्ध था। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम आशान्वित हैं रायबरेली के जनमानस से कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यों और भारतीय जनता पार्टी के नकारापन, कोरोना जैसे काल में भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के लोगों को अनाथ छोड़ दिया था। एक भी अस्पताल में कोरोना के पेशेंट नहीं लिए जा रहे थे। तो आज रायबरेली के लोग वो याद कर रहे हैं कि कोरोना का संकट हो चाहे किसानों की समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए और समाजवादियों ने विपक्ष में रहते हुए भी कोरोना काल में रायबरेली के लोगों के लिए गांव से लेकर के शहर तक खड़े रहे, हर मदद के लिए खड़े रहे हम। और किसानों के संघर्ष के लिए हम लोग सड़क पर रहे। आज उन्हीं किसानों के आंदोलन से, जिस आंदोलन को माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से जो किसान आंदोलन सफल हुआ, हम किसान लोग जगह जगह किसान घेरा कार्यक्रम हो चाहे किसान आंदोलन हो, उस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ खड़े रहे। आज किसानों के सामने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार झुकी है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में हैं और भारतीय जनता पार्टी का नकारापन हम उजागर किए हैं। इसलिए हम आशा नहीं करेंगे हम सब 6 के 6 जीतेंगे।